नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नलखे में। साथियों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी गाय को लंपी स्किन डिजीज हुआ है और आपकी गाय ठीक हो चुकी है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कई बार खतरा हो जाता है। जैसा कि मैं आपको यह गाय दिखाना चाहता हूँ, यह गाय प्रेग्नेंट थी उसमें और इसको लंपी स्किन डिजीज हुआ था और लंपी स्किन डिजीज इसका ठीक भी हो गया, गाय ने आराम से बच्चा भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आराम से जेर भी गिरा दी। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिनों से इस गाय के पीछे के जो पैर है ना, पीछे के जो पांव आप देख रहे हो, उनमें हल्का सूजन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए, और हल्का दर्द भी करिएगा, ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा दर्द भी महसूस करिएगा, ये देखिए, और साथ में चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस गाय को, यानी चलने में थोड़ी सी लंगड़ाती है, पीछे के पांव जो जब रखती है ना जमीन पर तो थोड़ा सा लंगड़ाती है। तो हमने इसके खुर को पकड़ के आराम से देखा, कहीं कोई कांटा वांटा नहीं था, कुछ भी नहीं था, दिक्कत आई तो यह प्रॉब्लम काफ़ी, यानी चलने में काफ़ी प्रॉब्लम थी, और कोई दिक्कत नहीं आई, चरना पीना आराम से कर रही थी, पानी प्रॉपर पी रही थी, बच्चे को दूध आराम से पिला रही थी, और इसके साथ साथ दूध भी कम नहीं किया बिल्कुल भी, खाने पीने में जुगाली में कहीं कोई समस्या नहीं थी, खाली इसको चलने में प्रॉब्लम आई थी, यानी चल जब रही थी तो लंगड़ा रही थी। तो ऐसी समस्या अगर आपकी गाय के साथ हो रहा है ना, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बोल्स बताने वाला हूँ। देखिए, ऐसी समस्या में, देखिए मैं आपको लंपी दिखाता हूँ, ये देखिए लंपी स्किन डिजीज के जो चकते हैं, देखिए, ये देखिए अभी रिकवर हो गए लगभग, यहाँ पे आपको कुछ चकते दिखाई दे रहे हैं, देखिए सारे चकते तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन ये समस्या आई है तकरीबन गाय ठीक होने के 10 से 12 दिन बाद में, और जब गाय ने बच्चा भी दे दिया हो उसके बाद ये समस्या देखने को मिली है। तो ऐसी समस्या अगर आपकी गाय में हो तो आपको देखिए करना क्या है, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, इस समस्या में गाय को बैठने की समस्या भी हो सकती है, यानी गाय का बैठना भी दुबर रहता है, तो ऐसे में अगर 2-3 दिन तक गाय न बैठे तो समस्या आ सकती है। तो आप अपनी गाय के पैरों को गर्म गुनगुने पानी से मतलब नहलाएं अच्छे से, और उसके बाद आप सरसों के गुनगुने जो ऑयल है, सरसों का तेल है, उससे उस पैरों की मालिश करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जकड़न भी बन जाता है पैरों के अंदर, और इसके साथ साथ आपको बोल्स देनी है अपनी गाय को। तो देखिए टोलफोस नाम की बोल्स आप देख पा रहे हो, देखिए टोलफोस नाम की बोल्स है ना, ये आप 2 टेबलेट दें एक साथ, और इसके साथ आप NPS की ये टेबलेट है ये भी एक मिला लें, यानी 3 टेबलेट देना है आपको, इसमें निमोसलाइड पैरासिटामोल का रिजल्ट रहेगा। तो ये टेबलेट अगर आप देंगे ना, 3 सुबह देंगे 3, कुछ खा ले पी ले गाय ना, उसके बाद दूध निकाल ले, चाटा बंटा दे दे, उसके बाद ये 3 टेबलेट आप अपनी गाय को दे दे, और फिर अगले दिन और दे दें 3 टेबलेट, तो गाय आपकी ठीक हो जाएगी, आपको 2 खुराक से ही पता चल जाएगा आपकी गाय ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो आप 3 खुराक दें, और ये जो टोलफोस है ना, ये आप एक पूरा डब्बा खिला दें अपनी गाय को, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज के कारण क्या होता है कि पशु के अंदर कहीं ना कहीं मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, पशु वीक हो जाता है, तो पशु की वीकनेस दूर करने में भी यह कारगर है, क्योंकि तुरंत हमें, क्योंकि अगर पैरों में दिक्कत है, चल नहीं पा रहा है पशु, तो हमें तुरंत उसे फिर एक्टिवेट करना पड़ता है, यानी हम धीरे धीरे उसको रिकवर नहीं करा सकते, इससे पशु बैठ भी सकता है और फिर वापस खड़ा भी नहीं होगा अगर हमने ज़्यादा लेट कर दिया तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।